जय श्री कृष्णा। सभी को ज्ञात है कि कल है अक्षय तृतीया 10 मई को। आप ये किसी भी अक्षय तृतीया पर ये उपाय कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हम क्या करें। सभी महिलाएं सोचती हैं कि उनका सौभाग्य अखंड रहे, तो पहले हम ये जानते हैं कि आखिर अखंड सौभाग्य होता क्या है। इसके ऊपर भी कई तरीके के तर्क देखने को मिले हुए हैं। बहुत लोग कहते हैं कि धन संपत्ति की प्रचुर मात्रा कभी क्षय नहीं होने वाली लक्ष्मी को भी अखंड सौभाग्य कहते हैं, तथा इसके पीछे भी कई तरीके के संपन्नता भी जुड़ी हुई हैं जो कि उसे अखंड सौभाग्य के रूप में ही जाने जाते हैं। ये सभी तर्क मान्यताओं के आधारित हैं। तो कल की वीडियो जो आपने देखा था कि अक्षय तृतीया पर हम क्या क्या चीज़ दान करें जिससे कि हमें अखंड उसका फल प्राप्त हो, यानी दान हम कुछ ऐसे तिथि पर हम दान करते हैं जो अक्षय प्राप्त होता है, अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो, अखंड यानी उसका खंड ना हो, तो दोनों ही चीज़ समान होती हैं, अखंड या अक्षय। तो अक्षय तृतीया पर अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आप ये उपाय अवश्य करें। अगर अखंड सौभाग्य के लिए अक्षय चीज़ों के लिए आप जिस भी चीज़ों का ये उपाय करती हैं अक्षय तृतीया के दिन, तो वो आपके 100% वो वर्क करता है, तथा विधाता जो हमारे भाग्य में लिख रखे हैं वो भी हमारे साथ रहता है। हमारा कर्म होता है कि हम कर्म करें। अगर हम अपने बैंक के खाते में 10 रुपया ही रखे हैं तो मार्केट में 100 रुपये के भी आम बिक रहे हैं, तो मगर हमारे पास तो 10 रुपया ही है, तो हम 10 रुपये की ही वस्तु खरीदेंगे। उसी तरीके से कर्म प्रधान देश में अगर हमारे पुण्य 10 रुपया ही है तो हम 10 रुपये का ही यूज कर सकते हैं, ना कि दूसरे की पुण्य को देखते हुए हमें अधिक उनसे लाभ हो जाएगा। तो इस वीडियो को अगर आपको समझ में आए और वर्कफुल लगे तो इस वीडियो को आप जरूर एक बार शेयर कर देखिएगा। वीडियो शेयर करने से भी आपको पुण्य फंड की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं है कि धन दान करेंगे तभी हमारे पास पुण्य की प्रचुरता बढ़ेगी। अच्छी चीज़ों को जरूर शेयर करें। हिंदू हैं हम, तो हिंदू को भी आगे बढ़ाएं। कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? सभी धार्मिक, मैं नहीं कहती हूँ कि मेरा ही, सभी धार्मिक वीडियो को सभी सहयोग करें, बढ़ चढ़कर उसको आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा हिंदुस्तान हिंदुत्व को प्राप्त हो और हमारा हिंदू जो संगठन है वो मजबूत हो, हिंदुस्तान में हिंदू चढ़ बढ़कर उनका साम्राज्य बना रहे। तो ये हम सभी हिंदुओं का भी धर्म है। तो ये चीज़ तो जाने कि अब अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए हम क्या उपाय करें, तो ज़रूर इस वीडियो को आँख बंद कर भी आप इसे शेयर जरूर कर दें। दूसरा चीज़ है कि पुण्य किसी के जीवन में सरल, सुगम और सफल बनाता है, इसलिए हम ये शेयर कर देंगे। ये अपने मन में आप ये डाल ही लीजिए, क्योंकि इस तरीके की वीडियो भी आपको मिलेगी। आप थोड़े दिन अच्छी वीडियो को शेयर कर देखिए कि आपके जो लाइफ स्टाइल है उसमें आपको क्या बदलाव देखने को मिलता है। तो अखंड सौभाग्य का मतलब जान लेते हैं, जिसमें खंडों या अखंड कि कोई कम मत नहीं हो उसे हमें अखंड कहते हैं। सौभाग्यशाली कौन होता है? जिसके पास घर अच्छा होता है, जिसके पास धन की कमी नहीं होती है, जीवन में सभी उसको प्यार करते हैं, तो विशेष रूप से उसे ही अखंड सौभाग्य कहते हैं। और अखंड सौभाग्य की परिपूर्ण जो हो जाता है वो खुश भी रहना चाहता है, यानी कि उसका परिवार भी सुख समृद्धि से भरा रहता है, उसके पास प्रसन्नता रहती है तथा उसके पास धन की भी कोई कमी नहीं रहती है। तो ये तो सिंपल सी बात है, जिसका अखंड सौभाग्य भी रहेगा तो भी ये सारी चीज़ें उनके पास रहेंगी। तथा अखंड सौभाग्य की आशीर्वाद जो ब्राह्मण देते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अखंड सौभाग्य में धन दौलत, घर में खुशियाँ, सब चीज़ वो शामिल हो जाता है आपके जीवन में। आपके ब्राह्मण जो जिनके भी आप प्रणाम कर रही हैं, जिनको भी आप नमस्ते कर रहे हैं, आप मन में कल्पना करें आपको जो भी चीज़ चाहिए उनसे, सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए, बच्चों को उन्ती चाहिए कि अखंड सौभाग्य की हमको आशीर्वाद मिले, तो पंडित जी अगर वो कहें खुश रहो, तो अगर आपने वो विश किया है कि हमें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिले, तो वो उनका खुश रहना आशीर्वाद प्लस आपका जो मन में आपने सोचा है अखंड सौभाग्य की प्राप्ति की आशीर्वाद से,
वो मैच होकर वो आप में समाहित हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। उपाय नंबर एक कि अक्षय तृतीया पर जिसे भी हम प्रणाम करें, सबसे पहले तो अपने घर में बड़े बुजुर्गों को अपने पति का चरण स्पर्श करें और अपने मन में कल्पना करें ये कि जो भी चीज़ चाहिए और वो कहते हैं खुश रहो या जो भी चीज़ उनके मन में है आशीर्वाद वो देते हैं, तो लेकिन वो जो आपको चाहिए अगर वो आपने मन में सोचा है तो वो ही आशीर्वाद आपको फल जाएगा। अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो भाग्य में जो भी बाधाएं हैं उसको दूर करते हैं, यानी कि जो आपके हस्बैंड हैं, पार्टनर है, लाइफ पार्टनर के जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां दूर हो जाती हैं अगर पत्नी इस तरीके से अखंड सौभाग्य के लिए, अखंड प्यार के लिए इस तरीके से अक्षय तृतीया पर महालक्ष्मी की पूजा करती हैं। तो महालक्ष्मी की पूजा आप घर में लक्ष्मी गणेश जी के जो आपकी दीपावली पर प्रतिमा बना रखी है वहाँ पर भी आप बिना उनको हिलाए डुलाए लक्ष्मी जी को साधारण रूप से जिस तरीके से नित्य पूजा करती हैं उस तरीके से पूजा करें। एक इत्र जरूर माता लक्ष्मी को अक्षय तृतीया के दिन चढ़ाएं। आपके पास मंदिर में रखा हुआ है तो थोड़ा सा इत्र भी लगाएं, एक लाल चुंदरी चढ़ाएं तथा वहाँ पर एक नई सिंदूर की डिब्बी चढ़ाएं और उस सिंदूर के डिब्बी से माता लक्ष्मी को तिलक लगाएं और उस तिलक को अपने मस्तक पर धारण करें इस मंत्र को बोलते हुए। देहि सौभाग आरोग्यम देहि मे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो जहि दुशो जहि। इस मंत्र को आप 108 बार बोले, ये मंत्र आपको याद भी हो जाएगा तथा इस मंत्र को आप डेली जब भी आप सिंदूर मांग में लगाते हैं, भरते हैं, पहनते हैं तो आप इसको आप मांग में लगाते वक्त अपने मन में इस मंत्र को बोले। इस मंत्र को बोलने से आपका सौभाग्य सुंदर होगा और जो लक्ष्मी की भी प्राप्ति होगी इस मंत्र में, आपको परम सुख, दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर हो जाएंगी, यहाँ तक कि खोया हुआ पार्टनर भी आपको वापस मिल सकता है। अपने ये दूसरी उपाय भी जाना, उपाय नंबर 3, ये सभी उपाय आपको कल जरूर करना है। तो आप कल जब तुलसी जी की पूजा करेंगी तो तुलसी जी की पूजा करते वक्त भी जब आप तुलसी माता में जल के साथ कच्चा दूध 2 बूंद जरूर चढ़ाइएगा, उनको भी रोली फूल इन सभी माताओं को लाल फूल अर्पण कीजिएगा। साथ में आप ये मंत्र जरूर बोलिएगा, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी नमस्तुते। ये सभी मंत्र आपके अखंड सौभाग्य की रक्षा के लिए होता है। ये सभी मंत्र हमें धीरे धीरे याद कर कर जब भी हम इनकी पूजा करें तो हम इसे हमें बोलना है और अपने जीवन में उतार कर कुछ मंत्र को हमेशा के लिए बांध कर रख लेना है, जो कि ये जीवन भर आपके साथ रहेगा। आपकी अखंडता, शुभता, लक्ष्मी की प्राप्ति जो भी है सारे काम समय पर होते रहेंगे। नंबर 4 उपाय बहुत ही खास उपाय, जिनके पति पास में नहीं हो, वो कुंवारी करने आए हैं, अगर वो लाइफ पार्टनर को पसंद करती हैं और उनसे विवाह करना चाहती हैं या उनका पार्टनर रूठ कर दूर चला गया है, इस उपाय को करेंगे तो आपको निश्चित ही आपको रिजल्ट शुभ मिलेगा। तो उपाय क्या है, माता लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं और इत्र चढ़ाने के बाद उनसे आप हिंदी में प्रार्थना करें कि हे देवी माँ, मुझे मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले मुझे पति या पत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। इस तरीके से कहकर माँ को सिंदूर अर्पित कीजिए और वो सिंदूर का तिलक अपने माथे पर धारण कीजिए। इस तरीके से ये उपाय करने से आपका रूठा हुआ पार्टनर 1000% आपका वापस आ जाएगा। तथा ये उपाय मैं एक इंस्टाग्राम की फ्रेंड है जूही जी, उनके लिए भी ये उपाय है। तो जूही जी, आपके भी ये उपाय आप कल कीजिएगा अक्षय तृतीया पर। आशा करते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपको जल्दी मिल जाएगा। ये तीनों ही मंत्र आपको फ्लैश हो रहे हैं, देख लीजिएगा और आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर से सुना देती हूँ ये मंत्र जूही जी आपके लिए। पत्नी मनोराम देही मनोवृतान सारणी तारणी दुर्ग संसारस्य कुलोद भवान। पति जो मेल पर्सन है वो पत्नी लगाएंगे और जो पत्नियां हैं जो फीमेल हैं वो पति मनोराम देही, क्योंकि पत्नियों को भी चाहिए, लेडीज़ को भी चाहिए, महिलाओं को भी चाहिए कि उनका पति उनके हिसाब से चले और पुरुषों को भी चाहिए कि उनकी पत्नी
उनके हिसाब से चले। अगर दोनों की हिसाब बराबर बैठी रहती है तो उनके घर में सुख शांति समृद्धि अखंडता बनी रहती है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको रोचक जानकारी बहुत अच्छी लगी हुई होगी। आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि औरों का भी भविष्य सुधर सके। जिसे भी अपने पति का प्यार, लाइफ पार्टनर का प्यार चाहिए तो इन तीनों मंत्रों को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखें। इस मंत्र को कहीं लिख कर जहाँ जहाँ पर श्रृंगार करते हैं वहाँ पर चिपका दे, जिससे कि आप जब जब आप सिंदूर लगाएं तब आपको ये मंत्र दिखाई दे। तुलसी जी का जब पूजा करें तुलसी जी गमले के पास तुलसी जी वाला मंत्र चिपका दे, जिससे उसको आप देख देख कर जल चढ़ाएंगी तो आपको मंत्र याद होता रहे। आशा है कि ये जानकारी आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कीजिएगा कमेंट, जिसे कि मैं आपकी हर सवाल का जवाब मैं दूंगी। वीडियो में बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। माता लक्ष्मी की कृपया हम सभी के ऊपर खूब खूब बरसे। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जय लक्ष्मी नारायण की।